हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिकोमा की ये खूबसूरत सी वेराइटी जो कि पिंक टिकोमा के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये इसका पिक टाइम होता है। इस टाइम इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट पूरे साल रहता है, एवरग्रीन प्लांट है और साल में पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे बोगनविला में फ्लावरिंग होती है कि एक टाइम फ्लावरिंग होती है फिर उसके बाद रुक जाती है, फिर उसमें ग्रोथ शुरू होती है, फिर उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होता है, उसी तरह से फ्रेंड्स ये प्लांट भी है। इस प्लांट में भी फ्रेंड्स अभी जो आप देख रहे हैं इसके हर एक ब्रांचेस में आपको फूल नजर आएंगे। जहां फूल नहीं है वहां बर्ड्स नजर आएंगे। तो इस तरह से इस प्लांट में अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हर एक ब्रांचेस में। तो जैसे ये प्लांट फ्लावरिंग करके खत्म हो जाता है, इसके सारे फ्लावर खिल के खत्म हो जाएंगे, तो ये प्लांट भी फ्लावरिंग करना रोक देगा। फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी हो जाए? तो उसके बाद जब इसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है तो इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दे, क्योंकि ये प्लांट जो है अभी इस टाइम अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। तो हार्ड प्रूनिंग हमें इस टाइम नहीं करना है, इस प्लांट में अभी करना है हमें सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी जो भी ब्रांच हमें दिख रहा है जिसमें फूलों वाला जो ये बंच निकला हुआ है, बस हमें इसे कट करके हटा देना है, फिर वहीं से दूसरा ब्रांच निकलेगा और उसमें फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम इसमें फ्लावरिंग होने के बाद जब फ्लावरिंग खत्म हो तो इसकी ये प्रोसेस हमें जरूर अपनाना चाहिए जिससे कि ये फ्लावरिंग वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा कंटिन्यू चले। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इजी टू ग्रो है टिकोमा की सारी ही वेराइटी, बहुत ही आसानी से चल जाता है मिनिमम से केयर में। बट जब फ्लावरिंग करे ये प्लांट और फ्लावरिंग पे आ जाए तब इस पे फर्टिलाइजर और वाटरिंग पे थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसीलिए थोड़ा सा 19-20 ये प्लांट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम इसमें वाटरिंग करें तो इस टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें फूल खिले हुए हैं। फूल खिला हुआ रहता है प्लांट में, तब अगर वाटरिंग में थोड़ी सी कमी हो जाए तो फूल में वो शाइनिंग, वो चमक नहीं आती है, फूल स्टेबल नहीं होते हैं, कलियां जो है अच्छी तरीके से खिल नहीं पाती है, साइज छोटा हो जाता है। इस बात का भी हमें इसी टाइम ध्यान रखना है जब इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही हो, कि पानी की कोई कमी ना हो इस प्लांट में। जो प्रॉपर जितनी वाटरिंग की जरूरत है उतनी वाटरिंग इसको हम करें। फिर फर्टिलाइजर पे भी इस टाइम हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट अभी फ्लावरिंग पे है, इससे काफ़ी एनर्जी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से खाना चाहिए, तो उसे देने के लिए हमें इसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर देना होगा। तो फर्टिलाइजर तो फ्रेंड्स आप हर महीने एक मुट्ठी इसमें ड्राई कंपोस्ट दे सकते हैं, उससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा मेरा ये प्लांट है, इसी तरह से मैं केयर करती हूँ इसीलिए। और जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो लिक्विड फर्टिलाइजर पे थोड़ा सा फोकस रखें, इसमें हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर दें जिससे कि ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग को इसी तरह से बनाए रखे। फिर फ्रेंड्स बात करें सनलाइट की, तो ये प्लांट फुल सन में रहने वाला पौधा है, ऐसी जगह जहां पे इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाए। आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे बालकनी में आप तभी लगाएं अगर आपकी बालकनी में 3-4 घंटे की धूप आती हो तो। अदरवाइज़ ये प्लांट तो ग्रो करेगा लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही रह जाएगी, और कभी कभार अगर लगे तो एक आध फूल हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा हैवी क्वान्टिटी में उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी अगर वहाँ पर धूप ना आए तो। प्रोपोगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्लांट कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी जो ये तो ब्राउन स्टेम को कट करके आप लगाइए, वो बहुत ही आसानी से लग जाता है। रूटिंग हार्मोन है तो उसका यूज करिए, अदरवाइज एलोवेरा जेल का यूज करके आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये प्लांट प्रोपगेट किया जा सकता है और एक से बहुत सारा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो तो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है इसकी मिट्टी। मिट्टी फ्रेंड्स हमेशा ही प्लांट की वेल ड्रेन रखनी चाहिए जिससे कि प्लांट में कभी भी पानी ठहरे नहीं और रूट रॉट की प्रॉब्लम कभी भी प्लांट में ना हो। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें, उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। सॉइल बनाते वक्त फ्रेंड्स आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड लीजिए, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट लीजिए, उसमें थोड़ी सी नीम खली ऐड करिए, और अगर आपके पास कोकोपीट है तो थोड़ा सा उसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एकदम से सॉफ्ट मिट्टी तैयार करिए और इस प्लांट को लगाइए, फिर देखिए इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर वेलड्रेन सॉइल मिलता है तो प्लांट अपने आप ही खुशनुमा तरीके से बढ़ने लगता है और फूल खिलाते रहता है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स इस प्लांट की केयर है। इस प्लांट में फ्रेंड्स मिलीबग का अटैक मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मिनिमम सा मिलीबग का अटैक भी मैं कभी कभार अपने प्लांट में फॉलो करती हूँ, नज़र आ जाता है एक आध। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक होते दिखे तो आप उसे तुरंत ही रिमूव करिए। अगर एक आध दिखे तो वो आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करके भी इस प्लांट को पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं। झाड़ी नुमा प्लांट होने की वजह से फ्रेंड्स इस प्लांट को आप अपने एंट्रेंस में गेट के ऊपर ऐसे जगह पे जहां आप कवर करना चाहते हैं कोई एरिया, जैसे कि नॉर्मली लोग एंट्रेंस गेट को कवर करता है, उस तरह की एरिया में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसका हैज बनाना चाहें तो इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहिए और इसका हैज भी बना के आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से ये झाड़ी नुमा प्लांट होता है। इसे अगर आप ऐसे ही बढ़ने दें और छोड़ दें तो ये प्लांट क्लाइंबर प्लांट की तरह ही हो जाता है। आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से लंबी लंबी टहनियां हो जाती हैं जो स्टेबल नहीं होती है, और अगर आप इसे प्रूनिंग करते रहें तो झाड़ी नुमा पौधे की तरह ये बना हुआ रहता है। तो जैसे चाहे वैसी स्थिति में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला इजी टू ग्रो प्लांट है ये पिंक टिकोमा का प्लांट, बहुत ही आसानी से चल जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है पूरे साल। तो फ्रेंड्स ये थी इस पिंक टिकोमा प्लांट के बारे में जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।